और अगली खबर रिपोर्टर्स लाइव में कोडरमा से, जहां जिले में लक्ष्मीपुर के ग्रामीणों ने अपने हाथों को अपने विकास की कहानी लिखी है। नक्सलवाद और पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने खुद से तरक्की की मुहिम छेड़ी है, जिसके बाद गांव की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई है। इस बदली तस्वीर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुस्कुराइए, आप लक्ष्मीपुर गाँव में, कोडरमा के सुदूरवर्ती गांव में लगा ये बोर्ड और ये संदेश लक्ष्मीपुर गांव की खुशहाली और तरक्की को बयां करने के लिए काफी है। पिछले एक सालों में जिस तरह से इस गांव के ग्रामीणों ने अपनी सोच को बदला और एकजुटता का परिचय देते हुए गांव को स्वावलंबी बनाया, इसका शोर राष्ट्रीय स्तर पर है। जैसे सबसे पहले है कि लक्ष्मीपुर जैसे तैसे हाँ, आने की कोई चीज़ का वैसा व्यवस्था चाहे तो, और आने की कोई शासन नहीं था, लोग अपना जैसे तैसे जी रहा था। तो हम लोग जब जिला प्रशासन के आए हुए थे, उनके मार्फत से थोड़ा जानकारी हम लोग को मिला कि इस तरह से खेती करना है, हम लोग उसकी बात ले करके हम लोग गांव की आगे की सोच को देखते हुए हम लोग ये सब काम किए जाए, ताकि हम लोग को अभी देखने को भी मिल रहा है कि आज हम लोग गांव इस तरह से आगे बढ़ पा रहा है। बस जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा लक्ष्मीपुर गांव कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। नक्सलियों के खौफ में रहने वाले लोग जब विकास से कोसों दूर होते चले गए, तब गांव के ग्रामीणों ने अपने बलबूते विकास और तरक्की के मार्ग गढ़ने शुरू कर दिए। जल संरक्षण के लिए चेक डैम का निर्माण और शिक्षा का विकास जैसे मूलभूत मुद्दों पर ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई। इस दिशा में जिला प्रशासन और खासकर उपायुक्त आदित्य रंजन का इन्हें भरपूर सहयोग मिला। तो जो सर आए मेरा गांव में ना, तो समझाए हम लोग सर्वदान करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए। तो ये सब में लगा किए हम लोग, तो लगा कि इतना अच्छा मेरा गांव हो रहा है, तो हम लोग देख करके भी लगा, तो हम लोग सोचे कि मेरा गांव में क्या कमी हो रहा है। तो हम देखे कि शिक्षा हम लोग में तो बहुत कमी हो रही है, क्योंकि आंगनबाड़ी यहाँ नहीं थी, तो वही भी बनाए हम लोग, और छोटा बच्चा के यहाँ रखे हैं, वहाँ स्कूल में टीचर की कमी थी। तो हम सब ग्राम सभा में बैठक हुआ, तो सब हमको रखे कि टीचर में आप वहाँ पर जा करके पढ़ाइए। तो हम श्रमदान से 2 नवंबर से हम चालू किए। राज्य सरकार की भी जो योजनाएं हैं वो मोर और लेस यही है कि ये कोशिश करते हैं कि हम लोग जो परिवार है उसको आत्मनिर्भर बनाएं, उसको सतत विकास से जोड़ें, ताकि उसकी जो निर्भरता है सरकारी योजनाओं पे कह लीजिए, नौकरी की मांग को लेके कह लीजिए, इनसे दूर हो सके, उनकी अपनी आमदनी इतनी बढ़ सके। हम लोग उसी प्रयास के तहत कई गाँव में स्वावलंबन का काम शुरू किए, लगभग 122 गाँव में चल रहा है, जिनमें से कुछ अग्रणी गांव हैं, हमारा अरकोसा है, कजाटाण है, लक्ष्मीपुर है, रेखवा टाण है, बोंगा दाग है, ये गांव बहुत अच्छे हैं। इनमें से लक्ष्मीपुर काफ़ी अच्छा गांव है, और अभी लास्ट 24 जनवरी 2022 को हम लोगों ने इसकी पहल रखी थी, अभी 1 साल 3 महीने के आसपास हुए हैं, और कुल 15-16 महीने में ही बहुत ही कमाल का काम लक्ष्मीपुर के गाँव ने किया है। ग्रामीणों ने इस गाँव के विकास का बीड़ा उठाया और फिर योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन कर गांव की तस्वीर बदली। दिन की शुरुआत स्वच्छता अभियान के साथ और रात को चौपाल लगाकर अगले दिन की कार्य योजना तैयार करना ग्रामीणों के लिए रूटीन वर्क है। इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि झारखंड के दूसरे गांव भी ऐसे क्यों नहीं हो सकते। कोडरमा से समाचार प्लस के लिए भोला शंकर सिंह की रिपोर्ट। और इस पूरी खबर की जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी कुंदन सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, जहां अलग अलग जगहों से सरकारी विफलता की तस्वीरें सामने आती, इसी बीच कोडरमा से ये काफी सुखद तस्वीर कह सकते हैं सामने आई है, जहां पर सरकारी योजनाएं काम कर रही है और गांव के लोगों ने खुद अपने विकास की जो ये गति आई है उन्होंने खुद ये लिखी है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? प्रभु, मैं आपको बता दूं कि कोडरमा के लक्ष्मीपुर, यहाँ की लक्ष्मी, यहाँ की महिलाएं जो है अपने दरवाजे को बांधकर ग्रामों में किस तरह से विकास किया जाए, लोगों को किस तरह से शिक्षा से जोड़ा जाए, लोगों को किस तरह से रोजगार से जोड़ा जाए, इस पे
पहल की है और सफल भी हुई है। खासकर आपको मैं बता दूं कि ये जिस तरह से झारखंड में जंगल जमीन और जल के लिए लोग जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से पलामू हो, चाहे गढ़वा हो, चाहे हजारीबाग हो, यहाँ पे सारे चीज कट रहे हैं, लेकिन ये गांव जो लक्ष्मीपुर गांव है, यहाँ जंगलों से पटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पेड़ पौधे लग रहे हैं, हरियाली चारों ओर है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, महिलाएं जो है स्वावलंबी हो रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है, जिला उपायुक्त जो है काम कर रहे हैं। तो कोडरमा के लक्ष्मीपुर जो है एक लोगों के लिए, झारखंड में खासकर सारे जिलों में इस तरह की गांव जो है अगर डेवलप हो तो शहर डेवलप होता है, और ग्रामीण डेवलप हो तो शहर भी डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मीपुर के लोगों में, उसके वहां के लोगों को इसमें सबसे बड़ी बधाई देनी चाहिए कि वहां के लोगों ने बिल्कुल आगे कुंदन, बढ़ा यहाँ पर और जानना जिला चाहूंगी कि उपायुक्त। जो लक्ष्मीपुर गांव है यहाँ पर प्लांटेशन का काम हुआ है, पेड़ पौधे जो लगाए गए पूरी तरह से गांव के लोगों के द्वारा ही किया गया, या फिर वहाँ की जो जिला सरकार जिला प्रशासन उसके द्वारा भी कुछ सहयोग इसमें मिला है? आपको मैं बता दूं प्रभा की, सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर विकास करनी है गांव को तो आपको पहले कदम बढ़ाना होगा, उसके बाद ही जिले के उपायुक्त हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे फॉरेस्ट डिवीजन हो, वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस तरह से लक्ष्मीपुर के लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसके बाद जिला के उपायुक्त हो, चाहे जिला प्रशासन हो, उस और ध्यान गया, उनको आकर्षित किया, और फिर लक्ष्मीपुर में डेवलपमेंट जो है उसकी बाहर आ गई। और यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो ये शहर से कम नजर नहीं आएगा लक्ष्मीपुर। सड़क हो, चाहे नाला हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, ये एकदम अलग हटकर, जहाँ पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लक्ष्मीपुर में पानी जो है बह रही है, लोग जंगलों के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पे जंगल जो है हरी भरी हरियाली छाई हुई है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो अपने आप में लक्ष्मीपुर गांव जो है पूरे झारखंड के लिए एक पहचान बना चुका बिल्कुल है। आखिरी और सवाल रहेगा कुंदन, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि दूसरे गांव की तस्वीर हम जहां देखते हैं वहां पर लोगों को कमी भी है, लेकिन वहां पर सरकार ने योजनाएं भी रखी है, लेकिन दोनों के बीच में जो गैप की हम बात करते हैं वो बहुत गाढ़ी हो जाती है, जिसके कारण योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो जानना चाहूंगी इस गाँव में वो जो एक ब्रिज का काम किस चीज ने किया है जिससे योजनाओं का लाभ अब पहुंच रहा है गाँव तक? सबसे बड़ी बात है प्रभा कि लोगों को पहले जागरूक होनी चाहिए और लोगों को शिक्षित होना चाहिए। लक्ष्मीपुर में ये दोनों चीज नजर आता है। कोडरमा के लक्ष्मीपुर में लोग जागरूक है और पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, क्योंकि आपको जो डेवलपमेंट के जितने भी फंड्स हैं वो आपको जब जानकारी नहीं होगी कि क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो सरकार के द्वारा मांगा जा सकता है, सरकार की कर सकते हैं, अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। और लक्ष्मीपुर के लोग जो है वो जागरूक थे, जिसके कारण ये गांव जो है आज डेवलप हो गया है और पूरे झारखंड में एक अपना मानचित्र बना लिया बिल्कुल है, अपनी एक पहचान बना चुकी है बिल्कुल प्रभा। कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो कोडरमा के लक्ष्मीपुर गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर ग्रामीणों ने खुद अपने गांव की तस्वीर बदल दी है और एक मिसाल कायम की है। बता दें कि जो कोडरमा किस इलाके की बात कर रहे हैं, कभी ये नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन उससे उभर कर खुद गांव वालों ने ये निश्चय लिया कि वो खुद अब अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे।